हेलो फ्रेंड्स मैं सरोज अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ ये देखिए आज मैं बहुत ही प्यारा सिंगल कलर का डिज़ाइन लेके आई हूँ ये देखिए इसको आप किसी भी तरह के स्वेटर पे डाल सकते हो लेडीज जेंट्स बच्चों के फ्रॉक पे बहुत ही सुंदर बन के आता है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ट्वेल्व के मल्टीपल प्लस फोर फंदे लेने पड़ते हैं फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ये देखिए फंदे मैंने पहले से डाल रखे हैं चलिए डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं पहले चार फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी एक दो तीन चार धागा दूसरी साइड आठ फंदे सीधे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार धागा दूसरी साइड आठ फंदे सीधे ऐसे ही पूरी रो को कंप्लीट करना है आठ फंदे सीधे चार फंदे धागा अपनी साइड लास्ट में मेरे चार फंदे हैं इनको मैं उल्टे बनाऊंगी ये फर्स्ट रो मेरी हो गई है ये सेकंड रो है रॉन्ग साइड है रॉन्ग साइड से पूरी रो को उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट कर दूंगी रॉन्ग साइड में हम कुछ नहीं करेंगे इसको उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट कर लेते हैं ये मेरी थर्ड रो है राइट right साइड है पहले चार फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी एक दो तीन चार अब देखिए ऐसे घुमा करके के जाली डालेंगे और आठ फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ फंदे हमारे उल्टे हो गए हैं फिर से ऐसे धागा घुमा करके के जाली डालेंगे और चार फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार फिर से धागा घुमा करके जाली डालेंगे आठ फंदे उल्टे बनाएंगे फिर से धागा घुमा करके जाली डालेंगे लास्ट में चार फंदे उल्टे ये हमारी फोर्थ रो है रोंग साइड है पहले चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे एक फंदा जो जाली के साथ हमारा बढ़ गया है इसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे यहाँ पे हमारे पांच फंदे उल्टे हो गए हैं धागा दूसरी साइड आठ फंदे सीधे धागा अपनी साइड ये उल्टा ये जाली वाला फंदा जो है इसको उल्टा बनाएंगे एक ये चार फंदे हमारे हैं इसको उल्टा बनाएंगे दो तीन चार पाँच फिर से जाली वाला फंदा छः छः फंदे हमारे उल्टे हो गए हैं धागा दूसरी साइड आठ फंदे सीधे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ धागा अपनी साइड जाली वाला फंदा और चार फंदे ये इन पाँचों को हम उल्टा बना लेंगे ये हमारी फिफ्थ रो है यानी कि पाँचवीं सिलाई है चार फंदे उल्टे ये चार फंदे हमारे उल्टे हो गए हैं धागा दूसरी साइड ये जाली वाला फंदा है इसको सीधा बना देंगे जो जाली के साथ एक सीधा फंदा हमारा बना था उसको सीधा बना देंगे अब देखिए धागा अपनी साइड करेंगे जाली बनाएंगे और आठ फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ फंदे हमारे सीधे हो गए हैं अब फिर से धागा अपनी साइड करके जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे अब देखिए धागा अपनी साइड करेंगे चार फंदे उल्टे बनाएंगे ये चार फंदे हमारे उल्टे हो गए हैं धागा दूसरी साइड करेंगे इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे अब फिर से धागा अपनी साइड करके जाली डालेंगे और आठ फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ फंदे हमारे सीधे हो गए हैं धागा अपनी साइड करके जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे अब धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे बनाएंगे ये हमारी सिक्स रो है यानी कि छेवी सिलाई है और रॉन्ग साइड है उल्टी साइड है अब देखिए एक दो तीन चार चार फंदे हमारे ये उल्टे हो गए हैं जो हम बनाते ही हैं फर्स्ट टाइम चार फंदे उल्टे और दो हमारे जाली के साथ बढ़ गए हैं इनको भी हम उल्टे ही बना देंगे यहाँ पे हमारे छः फंदे उल्टे हो गए हैं छः फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं और अब जी हमारे आठ फंदे हैं इनको हम डबल धागा घुमा करके के ऐसे दो बार आठ फंदों को उल्टा बना लेंगे एक दो ये दो फंदे हो गए हैं एक दो तीन फंदे हो गए हैं एक दो चार फंदे हो गए हैं एक दो पांच फंदे हो गए हैं एक दो छः फंदे हो गए हैं एक दो सात फंदे हो गए हैं एक दो ये आठ फंदे हमने डबल धागा घुमा करके के बना लिए हैं अब आठ फंदे हम सिंपल बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ अब आठ फंदे फिर से डबल धागा घुमा करके के आठ फंदे हमारे डबल धागा घुमा करके बन गए हैं लास्ट में हमारे छः फंदे सिंपल उल्टे बनेंगे ये हमारी सेवन्थ रो है राइट साइड है यानी कि सातवीं सिलाई है सीधी साइड है पहले चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे। चार फंदे हमारे उल्टे हो गए हैं धागा दूसरी साइड करेंगे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड रखेंगे अब देखिए जो आठ फंदे हमने डबल धागा घुमा करके बनाएंगे उन आठों को हम ऐसे खोल लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये देखिए आठ फंदे हमने खोल लिए हैं इनके अंदर सिलाई डालेंगे ऐसे धागा अपनी साइड है जाली डालेंगे और आठ फंदों का एक फंदा बना देंगे यहाँ पे हम ऐसे फिर से धागा अपनी साइड करके जाली डालेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे धागा दूसरी साइड दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड रखेंगे अब फिर से हम आठ फंदे खोलेंगे डबल धागा बना कर के जो बनाए थे ये देखिए आठ फंदे हमने खोले हैं इनके अंदर सिलाई डाल करके आठ फंदों का एक फंदा बनाएंगे, साथ में जाली भी डालेंगे ऐसे और फिर से जाली डालेंगे धागा अपनी साइड करके दो फंदे सीधे बनाएंगे धागा अपनी साइड लास्ट में चार फंदे उल्टे ये देखिए ये हमारी एट रो है रोंग साइड है अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छ छः फंदे ये वाले मैंने उल्टे बना लिए हैं ये जाली वाला उल्टा बना लिया है अब देखिए हम क्या करेंगे जो हमने आठ फंदों का एक फंदा बनाया है उसको नहीं बनाएंगे उसको छोड़ देंगे उसके आगे वाला ये जाली वाला फंदा है उसके आगे उसको बनाएंगे पहले ये देखिए उसको छोड़ करके इसको बना लिया इसको खोलेंगे नहीं सिलाई में से अब ये ये वाला फंदा भी हम बना लेंगे जो आठ फंदों का एक फंदा बनाया था अब इस फंदे को हम निकाल देंगे जो जाली वाला फंदा हमने बनाया था इसको एक बार फिर से ऐसे बनाएंगे ये देखिए अब दो फंदे हम ये वाले उल्टे बना लेंगे चार फंदे जो हमारे उल्टे चल रहे हैं उनको बनाएंगे अब देखिए फिर से ये वाले दो फंदे उल्टे हो गए हैं हमारे अब ये जाली वाला फंदा जो है इसको उल्टा बना लेंगे जो हमने आठ फंदों में से एक फंदा बनाया उसको नहीं छेड़ेंगे अभी अभी उसके आगे वाला फंदा ये वाला बनाएंगे ये देखिए इसको बना लिया इसको सिलाई में से निकालेंगे नहीं अब ये वाला फंदा भी बना लेंगे आगे वाला इसको निकाल देंगे इस जाली वाले फंदे को एक बार फिर से दोबारा बनाएंगे ऐसे अब बाकी वाले मेरे सारे फंदे एक दो तीन चार पाँच छ ये देखिए मेरी एटथ रो कंप्लीट हो गई है एट रो का ये मेरा डिज़ाइन है ऐसे बन के आना स्टार्ट हो गया है ये डिज़ाइन मेरा ये देखिए अब हम फिर से इसको ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे चार फंदे उल्टे आठ फंदे सीधे चार फंदे उल्टे आठ फंदे, फंदे सीधे ऐसे ही इसको दोबारा से रिपीट करते जाएंगे ऐसे बन के आएगा बहुत ही सुंदर बन के आता है बनाने में बहुत ही इजी है इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है उम्मीद करती हूँ कि ये डिज़ाइन आपको पसंद आया हो अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा लाइक भी कीजिएगा इसी तरह नए नए डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय